मीरा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन वन। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की, जहां से एक बड़ी खबर है। और बड़ी खबर ये है कि एक मुखबिर की सूचना पर फर्जी प्रदूषण जांच का जो ऑफिस था, वहां पर छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि थाना जनकपुरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर प्रदूषण जांच करने वाले एक कार्यालय पर छापा मारकर दो लोगों को हिरासत में लिया, जो वाहन की पुष्टि किए बिना ही ज्यादा पैसा लेकर प्रदूषण का प्रमाण पत्र बनाकर दिया करते थे। सहारनपुर के थाना जनकपुरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सहारनपुर देहरादून रोड स्थित एक प्रदूषण जांच केंद्र के ऑफिस पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से ऑफिस में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और प्रमाण पत्रों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि इस प्रदूषण जांच केंद्र में ज्यादा पैसे लेकर बिना वाहन देखे ही प्रदूषण मुक्त का सर्टिफिकेट दे दिया करते थे। इसमें पुलिस द्वारा अपने एक आदमी को ग्राहक बनाकर भी भेजा गया, जिससे सभी बातें साफ नजर आईं। पकड़े गए लोगों का एक साथी पुलिस के पहुंच से अभी तक दूर बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये पूरे प्रदेश में जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए, चेक करने के लिए सरकार के द्वारा सबमिटिंग की गई है। एजेंसी को ठेका दिया गया है कि वो पोल्यूशन चेक करें और उसके आधार पे उनको सर्टिफाई करें। तो ये पोल्यूशन एजेंसीज हैं, ये इनको फिजिकली वेरीफाई करना जरूरी होता है एमिशन को, परंतु अभी ये बिना फिजिकल उसके प्रेजेंस के व्हीकल के और बिना किसी प्रकार के एमिशन को चेक किए और फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दे रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत।